हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ क्यू कार्ड फॉर सेप्टेम्बर टू डिसम्बर 2023 एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू स्पेंड टाइम विद अ यंग चाइल्ड। कि हमने कोई ओकेजन डिस्क्राइब करना है कि जब आपने एक यंग चाइल्ड के साथ टाइम स्पेंड किया है। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस दिस क्यू कार्ड एंड आफ्टर द क्यू कार्ड वी विल डिस्कस सम फॉलोअप्स। So, moreover guys, if you want to score 7+ in your final exam, then make sure to subscribe this channel because on this channel I will provide you the best content and super classes for your best preparation. So, if you want to improve your score, then follow all the videos जो कि मैं इस channel पे upload करती हूँ daily. So now we will start our cue card. So once again the statement is describe an occasion when you spend time with a child। कि जब आप हमने कोई भी occasion describe करनी जबकि आपने किसी child के साथ time spend किया था। So उन्होंने क्या use किया statement में spent। So it is the second form of spend। spend की second form spent है। So इससे clear है कि हमारा जो भी है ये question कर रहे हैं past का कर रहे हैं कि था जब आपने टाइम स्पेंड किया था। सो हम अपना क्यू कार्ड किस में एक्सप्लेन करेंगे पास्ट में। सो फर्स्टली आप स्टेटमेंट जरूर चेक करें कि प्रेजेंट है पास्ट है और फ्यूचर है किस में है। सो नाउ द क्यूज आर हु द चाइल्ड वाज कि चाइल्ड कौन थे। हाउ डू यू नो हिम और हर आप उनको कैसे जानते हो। व्हाई यू स्पेंड टाइम विद हिम और हर आपने उनके साथ टाइम क्यों स्पेंड किया। एंड एक्सप्लेन What you did when you were together and explain करेंगे कि आपने क्या किया था जब आप together थे। means क्या activities की और means जो भी time spend किया उस time में आपने क्या किया था आपने और उस child ने। See guys, जो भी आपको cue card आता है ना before starting sample answer आप पहले क्या करें 2 or 3 lines general lines ज़रूर explain करें उस topic के relevant। सो नाउ एक तो चाइल्ड के बारे में था और एक टाइम स्पेंड किया। सो उसके रिगार्डिंग हम 2-3 एक्स्ट्रा लाइंस स्टार्टिंग पे स्पीक करेंगे। सो फर्स्टली हम लिंकर से स्टार्ट करते हैं। वेल आई लव टू स्पेंड माय लेजर टाइम विद लिटिल वंस एज दे आर एडोरेबल एंड डू लिटिल प्रैंक्स विच गिव मी इमेंस हैप्पीनेस। कि वेल से स्टार्ट किया लिंकर से। सो कि मुझे अपना लेजर टाइम मीन्स फ्री टाइम मुझे अपना फ्री टाइम लिटिल वंस के साथ मीन्स किड्स के साथ मुझे अपना फ्री टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। बिकॉज दे आर एडोरेबल मीन्स वो काफ़ी क्यूट हैं और वी कैन से दे आर लवेबल एंड दे डू लिटिल प्रैंक्स। कि जो लिटिल वंस और वी कैन से जो किड्स होते हैं छोटे छोटे प्रैंक करते रहते हैं जो कि मुझे इमेंस हैप्पीनेस देते हैं मींस काफ़ी हैप्पीनेस देते हैं। नाउ अब हम अपना मेन सैम्पल आंसर स्टार्ट करेंगे। हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन आई स्पेंट माय फुल डे विद माय नेफ्यू ऑन हिज स्पेशल डे। कि यहाँ पे मैं एक ओकेजन के बारे में डिस्क्राइब करना जा रहा हूँ और फिर जा रही हूँ और वीकेंड से अबाउट एन ओकेजन और वीकेंड से अबाउट अ टाइम। कि एक टाइम को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जबकि मैंने अपना फुल डे अपने नेफ्यू के साथ स्पेंड किया था ऑन हिज स्पेशल डे। कि उसके स्पेशल डे पे हिज नेम इज़ आप उसका कोई भी नेम राइट कर सकते हो स्पीक कर सकते हो ठीक है कोई भी नेम आप स्पीक कर सकते हो। एंड ही इज़ 8 years old। कि वो कितने ईयर्स ओल्ड है 8 years old है। सो नेफ्यू कि एज ज़्यादा भी हो सकती है ना बट उन्होंने चाइल्ड के साथ बोला था स्टेटमेंट में क्यू कार्ड में है ना तो हमने एक्सप्लेन कर दिया ही इज़ 8 years old कि वो 8 years old है। सो इससे क्लियर हो गया कि वो एक चाइल्ड है। सो ऐसे आप ना थोड़ी लाइंस को चेंज करके स्पीक करते हो सेम डिटो लाइंस आप रिपीट नहीं करोगे अपने सैम्पल आंसर में। नेक्स्ट एक्चुअली लास्ट मंथ देयर वॉज हिज बर्थडे। कि लास्ट मंथ उसका बर्थडे था। As he is very close to me, so it was my burning desire to spend his birthday in a wonderful way. जैसे कि वो मेरे बहुत close है ना मेरा nephew, so it was my burning desire. That's why ये मेरी burning desire थी कि उसके birthday को एक wonderful way में celebrate करें।
यहाँ पे ना सेलिब्रेट आना था, बाय मिस्टेक स्पेंड राइट कर लिया मैंने, सो सेलिब्रेट कर लेना आप, करेक्शन कर लेना इतनी सी। फॉर दैट फर्स्टली आई स्पेंड माई फुल डे विद हिम, कि उसके लिए, उसके बर्थडे के लिए पहले तो मैंने अपना फुल डे अपने नेफ्यू के साथ स्पेंड किया। मोर ओवर आई टुक हिम टू द नियरेस्ट मार्केट वेयर आई बॉट सम टॉयज फॉर हिम अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। कि उसके बाद मोर ओवर कि इसके अलावा क्या, सो आप ना अपनी राइटिंग एंड स्पीकिंग में लिंकर्स यूज़ ज़रूर करें, बिकॉज जब भी आप लिंकर यूज़ करते हो इससे आपकी एक्सप्लेनेशन बेटर होती है। बट लिंकर शुड बी रेलेवेंट, रेलेवेंट होने चाहिए, कि कौन, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी प्लेस पे कौन सा लिंकर यूज़ करना है, सो रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। वो जो भी सेंटेंस होगा उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग आप लिंकर यूज़ करोगे। मोर ओवर कि मैं उसको नियरेस्ट मार्केट में लेके गई जहाँ पे कि हम, मैंने कुछ टॉयज बाय करे उसके लिए अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन, कि इन एडिशन और क्या क्या किया हमने। आई बॉट सम ड्रेसेस, केक, चॉकलेट्स एज वेल एज सम स्वीट्स इन ऑर्डर टू मेक हिज डे सो स्पेशल। बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन, और हमने क्या किया कि मैंने कुछ ड्रेसेस बाय करी उसके लिए, केक बाय किया, चॉकलेट्स बाय किए एंड सम स्वीट्स भी बाय किए इन ऑर्डर टू मेक हिज डे सो स्पेशल। आफ्टर आर शॉपिंग, कि हमारी शॉपिंग के बाद, आई टुक हिम टू आर फूड कोर्ट वेयर वी एट सम डिलीशियस फूड आइटम्स एंड देन वी केम बैक होम। कि शॉपिंग के बाद मैं उसको फूड कोर्ट पर लेके गई एंड ऑन दैट फूड कोर्ट हमने कुछ डिलीशियस फूड आइटम्स खाए एंड देन वी केम बैक टू होम, कि घर वापस आ गए थे उसके बाद। देर वॉज़ आ बर्थडे पार्टी इन द इवनिंग एट आर हाउस, कि इवनिंग में बर्थडे पार्टी थी हमारे हाउस पे। फॉर दैट माई फैमिली मेम्बर्स डिड सम डेकोरेशन एट आर हाउस, कि जैसे कि इवनिंग में बर्थडे पार्टी थी, सो फॉर दैट उसके लिए मेरे फैमिली मेम्बर्स ने कुछ डेकोरेशन करी थी एट आर हाउस। इन द इवनिंग ऑल आर लव्ड वंस रीच्ड अस एंड देन वी कट द केक, कि इवनिंग में सभी हमारे रिलेटिव्स और वी कैन से फ्रेंड्स और वी कैन से कि ऑल आर लव्ड वंस रीच्ड अस एंड देन वी कट द केक। सो कट की सेकेंड फॉर्म भी कटी होती है, दैट्स वाई हमने कटी राइट किया, कि उसके बाद हमने केक कट किया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग ही वॉज सो हैप्पी ऑन दैट डे। जब भी आप कोई चीज़ है ना रियलिटी में बोलते हो और वी कैन से ईमानदारी से कुछ भी आप बताते हो, देन हम यूज़ करते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो आप इन लिंकर्स को अपनी राइटिंग एंड स्पीकिंग में यूज़ करोगे तो आपकी राइटिंग एंड स्पीकिंग इम्प्रूव होगी, बेटर बेटर आपके आंसर्स आएंगे। फर्दर मोर माई मदर कुक सम डिलीशियस मील्स फॉर अस एंड देन वी एट दोज फूड आइटम्स एज वेल, कि इसके अलावा मेरे मदर ने कुछ डिलीशियस मील्स कुक करे थे हमारे लिए एंड देन हमने वो आइटम फूड आइटम्स भी खाए। When I gave gifts to him, he was over the moon. जब मैंने उनको गिफ्ट दिए, अपने नेफ्यू को गिफ्ट दिए, then he was over the moon. अगर कोई इंसान हद से ज़्यादा खुश होता है ना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, over the moon. Lastly, जब भी आप अपना सैम्पल आंसर और वीकेंड से क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर एंड करोगे, देन आप कौन सा लिंकर यूज़ करोगे, lastly. इससे एग्जामिनर को क्लियर होगा कि आप लास्ट करने जा रहे हो इस सैम्पल आंसर का। I would say that was the day when I spent my time with my nephew and that was a wonderful experience. कि लास्ट पे I would say कि मैं कहूँगा और वी कैन से मैं कहूँगी, कहना चाहती हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं कि that was the day, वो डे था when I spent my time with my nephew, जब मैंने अपने नेफ्यू के साथ अपना टाइम स्पेंड किया एंड दैट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अगर तो आपके 2 मिनट कवर होते हैं इसमें, देन तो इट्स ओके, बट अगर आप कंटिन्यू करना चाहो तो आप कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स भी स्पीक कर सकते हो अपने सैम्पल आंसर में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, वेन एवर आई गेट फ्री टाइम देन आई टेंड टू स्पेंड दैट टाइम विद हिम बिकॉज ही इज़ सो लविंग एंड इनोसेंट। कि जब भी, इसके अलावा जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, देन यूजली के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेंड टू, कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, बिकॉज ही इज़ सो लविंग एंड इनोसेंट।
आई लव हिज कंपनी, में मुझे उसकी कंपनी पसंद है। समटाइम्स वी गो आउटसाइड टू अ पार्क वेयर वी प्ले सम गेम्स, कई बार हम पार्क में जाते हैं वहाँ पे हम गेम्स प्ले करते हैं। सो ही इज़ अ चाइल्ड विद हुम आई लव टू स्पेंड माई टाइम, सो वो एक चाइल्ड है जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है। सी पहले तो आप अपने सैम्पल आंसर में जो उन्होंने क्यूज क्वेश्चन करेंगे ना, वो क्यूज़ को आप आंसर करोगे। योर आंसर शुड बी रेलिवेंट, आपके आंसर रेलिवेंट होने चाहिए। जो वो क्यूज आस्क करते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं, वो क्यूज को आप फर्स्टली ट्राई करें कि उन क्यूज को आंसर करें, एंड इसमें आपके 2 मिनट्स कवर हो जाते हैं, है ना। इन केस आपका टाइम बचता है थोड़ा सा, सो उसके लिए आप एक्स्ट्रा लाइंस बोल सकते हो अपने टाइम को कवर करने के लिए। बट फर्स्टली आपने अपने जो भी क्यू कार्ड है, जो भी आपके सैम्पल क्यूज हैं, उनको पहले आंसर करना होता है। सो नाउ वी विल डू फॉलो अप्स फॉर दिस क्यू कार्ड। Do you think there are too many rules? First question is, or we can say first follow-up is, do you think there are too many rules for young children to follow, whether at school or at home? कि आपको क्या लगता है कि काफ़ी सारे rules हैं young children के लिए जो कि उनको follow करने होते हैं, whether at school, चाहे school की बात करें और चाहे आप और at home, ठीक है। सो इसके लिए हम आंसर देते हैं, जब भी आप आंसर करते हो ना फॉलोअप्स को, आप स्टार्टिंग में डायरेक्ट आंसर जरूर दें, यस और नो में, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, श्योरली, सर्टनली। पहले आप लिंकर लगा के पहले डायरेक्ट आंसर दोगे। उन्होंने क्वेश्चन किया डू यू थिंक, कि आपको क्या लगता है। सो हम पहले तो इसका यस, अगर आपको सही लगता है देन आप यस में आंसर दो, अब अगर आपको नहीं सही लगता देन आप नो में आंसर दोगे। सो पहले तो डायरेक्ट आंसर दोगे यस। यस मीन्स हाँ जी, काफ़ी सारे रूल्स हैं जो कि यंग चिल्ड्रन को फॉलो करने पड़ते हैं। हमने यस दे दिया आंसर। नाउ वी विल एक्सप्लेन, अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे। दे फॉलो वेरियस रूल्स एट स्कूल एज वेल एज एट होम, कि यस वो काफ़ी सारे रूल्स फॉलो करते हैं स्कूल में भी एज वेल एज एट होम। रूल्स प्ले एन इम्पैरेटिव रोल फॉर देयर ओवरऑल डिवेलपमेंट, कि रूल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी ओवरऑल डिवेलपमेंट के लिए। गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम एंड डूइंग देयर वर्क ऑन टाइम मेक्स देम पंक्चुअल एंड हेल्प्स देम टू लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम, कि जैसे कि टाइम पे स्कूल जाना एंड टाइम पे उनका वर्क करना, सो ये उनको पंक्चुअल बनाता है एंड उनकी हेल्प करता है टाइम की इम्पॉर्टेंस को लर्न करने के लिए। सो यस का आंसर दे दिया। अब हम एक्स्ट्रा भी तो कुछ बोलेंगे ना, बट रूल्स शुड बी रीजनेबल, बट रूल्स रीजनेबल होने चाहिए। टू मैनी रूल्स कैन हिंडर देयर क्रिएटिविटी एज वेल एज इंडिपेंडेंस, सो इट इज़ क्रूशियल टू कंसिडर द चाइल्ड्स एज, मैच्योरिटी लेवल एंड इंडिविजुअल नीड्स वाइल सेटिंग रूल्स। हमने बोला कि यस वो फॉलो करते हैं, हम और क्या एक्सप्लेन करें, बट रूल्स रीजनेबल होने चाहिए बिकॉज हद से ज़्यादा रूल्स क्या करते हैं, हिंडर करते हैं। मीन्स हिंडर का मीनिंग होता है रुकावट डालना, कि उनकी क्रिएटिविटी में रुकावट डाल सकते हैं, इंडिपेंडेंस में रुकावट डाल सकते हैं, इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं हद से ज़्यादा रूल्स। सो इट इज़ क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट, कि ये इम्पॉर्टेंट है। और वी कैन से इट इज़ क्रूशियल टू कंसिडर, कि जब भी रूल्स सेट करते हैं देन चाइल्ड की एज को कंसिडर जरूर करना चाहिए, मेच्योरिटी लेवल को और इंडिविजुअल नीड्स को वाइल सेटिंग रूल्स, की रूल्स सेट करते टाइम। सो नेक्स्ट फॉलोअप इज, डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड फॉलो ऑल द रूल्स, क्या आपको लगता है कि चिल्ड्रन को ऑल रूल्स फॉलो करने चाहिए। डेफिनेटली हाँ जी, डेफिनेटली मीन्स उनको रूल्स फॉलो करना चाहिए। अगर आपको नो लगता है देन आप नो में भी आंसर दे सकते हो, बट आंसर आपका आंसर का मीनिंग सेंस सही होनी चाहिए, है ना। डेफिनेटली चिल्ड्रन शुड फॉलो मोस्ट ऑफ द रूल्स एज सजेस्टेड बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स, बट रूल्स शुड नॉट बी टू स्ट्रिक्ट। हाँ जी, उन्होंने पूछा था, आस्क किया, क्वेश्चन किया उन्होंने कि चिल्ड्रन को फॉलो करने चाहिए और रूल्स, हमने बोला यस और वी कैन से डेफिनेटली कि चिल्ड्रन शुड, उनको फॉलो करने चाहिए मोस्ट ऑफ द रूल्स जो भी उनके पेरेंट्स सुजेस्ट करते हैं और एंड उनके टीचर्स सुजेस्ट करते हैं, वो चिल्ड्रन को रूल्स फॉलो करने चाहिए
बट जो रूल्स हैं शुड नॉट बी टू स्ट्रिक्ट, रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए। यंग वंस मस्ट फॉलो रूल्स बिकॉज रूल्स टीच देम हाउ टू सोशलाइज, रूल्स टेंड टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड मच मोर। कि जो यंग वंस है उनको जरूर रूल्स को फॉलो करना चाहिए बिकॉज रूल्स उनको टीच करते हैं कि सोशलाइज कैसे करना है, ठीक है, मींस सोसाइटी में कैसे बिहेव करना, कैसे वर्क करना है ना सोसाइटी में, ईच एंड एवरी वर्क एंड सोसाइटी में कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे बिहेव करना है एंड ऑल। और रूल्स क्या टीच करते हैं, रूल्स उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं एंड मच मोर। मोर ओवर सम रूल्स आर जस्ट बेसिक मैनर्स, कि कुछ रूल्स जस्ट बेसिक मैनर्स होते हैं, लाइक सेइंग प्लीज़, थैंक यू एंड एक्सक्यूज़ मी बिफोर इंटरप्टिंग। कि कुछ रूल्स जस्ट बेसिक मैनर्स होते हैं लाइक प्लीज़, थैंक यू एंड एक्सक्यूज़ मी। जब कोई भी हम इंटरप्ट करने से पहले कई बार प्लीज़ यूज़ करते हैं, कई बार हम थैंक यू का यूज़ करते हैं एंड कई बार एक्सक्यूज़ मी का यूज़ करते हैं, ऐसे रूल्स ये जस्ट बेसिक मैनर्स है। विद दिस चिल्ड्रन बिकम मोर रिस्पेक्टफुल, सो अगर चिल्ड्रन ये वाले रूल्स को फॉलो करेंगे देन वो मोर रिस्पेक्टफुल दिखाई देंगे और वी कैन से दे विल बिकम मोर रिस्पेक्टफुल ओवरऑल। सो कंक्लूड भी कर दीजिए आप अपनी फॉलोअप्स को, ओवरऑल रूल्स आर गुड फॉर देयर होलिस्टिक ग्रोथ सो दे शुड ओबे रूल्स। कि ओवरऑल क्या करेंगे हम, कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि जो रूल्स होते हैं वो गुड होते हैं उनकी होलिस्टिक ग्रोथ के लिए, होलिस्टिक ग्रोथ मीन्स ओवरऑल ग्रोथ, सो दे शुड ओबे रूल्स। दैट्स वाई चिल्ड्रन को रूल्स को फॉलो करना चाहिए और वी कैन से दे शुड ओबे रूल्स। सो नेक्स्ट फॉलोअप इज, डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी फॉर पेरेंट्स टू मेक डिसीजन फॉर देयर चिल्ड्रन। क्या आपको लगता है कि ये नेसेसरी है, मीन्स इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए कि वो अपने चिल्ड्रन के लिए डिसीजंस लें। सो अगर तो आपको यस लगता है आप यस में आंसर दोगे, अगर आपको नो लगता है देन आप नो में आंसर दोगे। ऑफकोर्स मीन्स यस, सो ऑलवेज हम यस 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 सेम लिंकर यूज़ नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, आप लिंकर्स को चेंज करके यूज़ करेंगे। ऑफकोर्स पेरेंट्स शुड टेक डिसीजंस फॉर देयर चिल्ड्रन, कि यस पेरेंट्स को डिसीजंस लेने चाहिए अपने चिल्ड्रन के लिए एंड दिस विल बी फ्रूटफुल स्पेशली फॉर लिटिल किड्स। एंड ये किन के लिए फ्रूटफुल होगा और वी कैन से किन के लिए यूजफुल होगा, स्पेशली फॉर लिटिल किड्स बिकॉज लिटिल वंस कैन नॉट मेक देयर डिसीजंस ऑन देयर ओन। बिकॉज जो लिटिल किड्स होते हैं और वी कैन से लिटिल वंस होते हैं वो अपने आप अपने डिसीजंस नहीं ले सकते। बट ऑन द अदर साइड इफ़ आई टॉक अबाउट ग्रोन अप्स, अगर मैं ग्रोन अप्स की बात करूँ मीन्स जो ग्रो कर चुके हैं, जो मीन्स किड्स से ऊपर यंग वंस बोल सकते हैं ना, सो इफ़ आई टॉक अबाउट ग्रोन अप्स देन आई वुड से दे कैन मेक देयर ओन, दे कैन मेक देयर डिसीजन बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्रोन अप्स आर कैपेबल टू डू दिस। कि अगर मैं ग्रोन अप्स की बात करूँ देन आई वुड से कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं बिकॉज दे आर कैपेबल टू डू दिस, वो कैपेबल हैं इसके। पेरेंट्स टू कैन डिसाइड वट इज़ गुड और वट इज़ नॉट गुड फॉर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स भी डिसाइड कर सकते हैं कि उनके चिल्ड्रन के लिए क्या गुड है एंड क्या गुड नहीं है। वट दे शुड डू, पेरेंट्स और क्या डिसाइड कर सकते हैं अपने चिल्ड्रन के लिए कि उनके चिल्ड्रन, वट दे शुड डू एंड वट शुड नॉट, कि उनके चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन, इसके अलावा मीन्स इसकी एडिशन में और क्या, दे कैन गाइड देयर चिल्ड्रन फॉर वट दे शुड डू, वो अपने चिल्ड्रन को गाइड भी कर सकते हैं कि उनके चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा पेरेंट्स शुड सेट रूल्स फॉर सम थिंग्स लाइक फॉर देयर बिहेवियर, सेफ्टी, मैनर्स एंड व्हाट्स मोर। इसके अलावा पेरेंट्स को रूल्स सेट करने चाहिए फॉर सम थिंग्स, कुछ थिंग्स के लिए, कौन सी थिंग्स के लिए, लाइक फॉर देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर के लिए रूल्स सेट करने चाहिए पेरेंट्स को, उनकी सेफ्टी के लिए, मैनर्स के लिए एंड व्हाट्स मोर। हम राइट करते होते हैं ना, सो ऑन और वी कैन से मैनी मोर है ना, और वी कैन से मच मोर, सो उसके लिए हम सो ऑन की प्लेस पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्स मोर। इसका मीनिंग भी जो इस लिस्ट को नेक्स्ट कंटिन्यू करना, नेक्स्ट सो
हमने ये वाले फॉलोअप्स डिस्कस करे, एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्यू कार्ड्स और वी कैन से फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोज आई विल डिस्कस मोर फॉलोअप्स, एंड दिस वॉज द क्यू कार्ड फॉर टूडेज वीडियो. आई होप यू गाइज विल लाइक दिस. इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. इसके अलावा अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो भी आपके इश्यूज हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. देन आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियोज अकॉर्डिंगली. प्लस आई विल अपलोड वेरियस वीडियोज सो दैट आपका आईएलटीएस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट प्रेपरेशन हो सके. एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.